Assalamu alaikum dear students, in today's video we will be covering exercise 2.3 question number 3 of new book, that is class 9. So let's look at the questions. Before this, if you haven't to subscribe my channel, please do subscribe. So student, ye hai unit number 2, exercise 2.3 aur iska question number 3. If log 31.09 is equals to 1.4926, find the value of the following without using log table. मतलब हमें कहा जा रहा है कि अगर log 31.09 हो और वो उसके बराबर हो 1.4926 के, तो हमें फाइंड करनी होगी वैल्यू ऑफ़ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल. मतलब जो हमें नीचे क्वेश्चंस और बाकी दिए हुए हैं उनकी जो है वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल. तो हम एक वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं विदाउट लॉग टेबल के, ठीक है? लॉग टेबल के बगैर आपको वैल्यू फाइंड करनी है. ऊपर ये एक लॉग नंबर दिया है और सामने उसका लॉग फाइंड किया, ठीक है? और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ़ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग द लॉग टेबल. मतलब इसका हमें क्या करना है, वैल्यू, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल. लॉग टेबल के बगैर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम वो किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा. फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें ऊपर क्वेश्चन में एक मतलब नंबर दिया हुआ है और उसका लॉग निकाल के दिया है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में ये ऊपर जो क्वेश्चन दिया है उसको कॉपी कर लेंगे. तो दिया है लॉग 31.09 इज इक्वल्स टू 1.4926, ये इसका लॉग है. अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका लॉग फाइंड करना है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल. तो इसको क्या कर लेंगे, हम इसके नीचे लिख देंगे, 3.109 को नीचे लिख लेंगे. तो जो अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया था वो यहाँ लिख दूँगी. सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यू गिवन थी वो लिखी. अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो वैल्यू गिवन है वो मैंने लिख दी, ठीक है? अब हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है. नंबर्स तो सेम है, एक और डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जो पॉइंट है वो एक जगह यहाँ पे 1 के बाद है और यहाँ पे एक जगह 1 से पहले है. तो हमें लॉग फाइंड जो करना होता है विदाउट लॉग टेबल के, तो हम इसी तरीके से करते हैं. हम इसमें देखते हैं कि हमारे जो पॉइंट है वो किस साइड पे है, जो ऊपर क्वेश्चन में दिया है वो कहाँ है, और जो क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा जा रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसको देखते हैं. अब फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 1 के बाद है, ठीक है? ये रियल नंबर है. मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है उसको देख के हमें अपना दूसरा जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करना है. तो ऊपर वाले में क्या है, 1 के बाद है, और सेकंड में क्या है, 1 से पहले है. मतलब वो 1 के बाद जो था वो पहले आ गया, 3 के पास आ गया. तो जब इस तरीके से पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो हम क्या करते हैं, जो अब ये कितनी दफ़ा मूव हुआ हम ये भी देखते हैं. ये हुआ एक दफ़ा मूव, तो ये एक दफ़ा मूव हुआ तो 1 लिख दिया, और किस साइड, ये लेफ़्ट साइड मूव हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस की साइन लगा दी. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ कि जो माइनस 1 है ये माइनस हो जाएगा. पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, लॉग 3.109, ये माइनस 1 ऊपर वाले इस वाले वैल्यू से माइनस हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था. तो 3.109 इज इक्वल्स टू 1.4926 माइनस 1 यहाँ पे, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है तो ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है. तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस 1 लिख देंगे. अब हम क्या करेंगे कि एक और स्टेप इसका होगा और वो ये लास्ट होगा कि ये वैल्यू से माइनस हो जाएगी. तो यहाँ लिख लेती हूँ, लॉग 3.109 इज इक्वल्स टू, अब मैं कैलकुलेटर में करके दिखाती हूँ. सिंपल ये जो नंबर है, जो वैल्यू है, इसको कैलकुलेटर में लिख लूँगी. जैसे कि है ये 1.4949426 माइनस 1, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.4926. जैसे कि आप देख सकते हैं क्या आंसर आया है, 0.4926. तो अब इसी को मैं जो है नीचे यहाँ लिख लूँगी.
0.4926। तो स्टूडेंट हमने विदाउट लॉग टेबल जो है वो एक वैल्यू जो गिवन थी उसका हमने लॉग निकाल लिया। तो हमने सीख लिया होगा कि हमें विदाउट लॉग टेबल किस तरह लॉग निकालते हैं। जस्ट हमें क्या करना होता है, पॉइंट को देखना होता है कि वो किस साइड से किस साइड पे मूव हुआ है, वो लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है या फिर वो राइट साइड पे मूव हुआ है, और ऊपर जो क्वेश्चन में वैल्यू है वहाँ पॉइंट कहाँ है, और जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा जा रहा है वो कहाँ है। तो अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से करना है इसको, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या है, लॉग 310.9। अब इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो था 3 के बाद पॉइंट था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 310.9, मतलब 310 पे उसके बाद 0.9। तो जो यहाँ पे सॉल्यूशन किया वो यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले जो ऊपर क्वेश्चन में हमें लॉग गिवन है और उसकी वैल्यू गिवन है वो यहाँ लिख लेंगे। तो लॉग 31.09 इज़ इक्वल्स टू 1.4926। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है जिसमें लॉग दिया हुआ है ये यहाँ नीचे लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि पॉइंट कहाँ पे गया है, ठीक है। तो ये है 310.9। अब देखिए ऊपर में क्या डिफरेंस है और नीचे का क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है, ठीक है, और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ क्या है, 0 के पास पॉइंट है, मतलब वो 1 से 0 के पास गया, मतलब वो 0 के बाद आ गया। तो ये किस साइड पे गया, राइट साइड पे। जब ये राइट साइड पे जाता है तो हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये लेफ़्ट साइड पे आया था, तो हमने क्या किया, 1 को 1 टाइम था, 1 को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे भी 1 टाइम मूव हुआ है और वो भी राइट साइड पे, तो हम क्या कर देंगे, इसको पॉजिटिव 1 कर देंगे। अब यही पॉजिटिव 1 जैसे यहाँ पे नेगेटिव 1 इससे माइनस हुआ, फिर जो है यहाँ पे माइनस हो के और हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी करेंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव 1 है तो ये पॉजिटिव 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड करते हैं। लॉग 310.9, सो ये पॉइंट जो है देख लेंगे, पॉइंट का सारा काम पॉइंट का ही है, पॉइंट किस तरफ मूव हो रहा है और कितने टाइम्स, बस सिर्फ इसमें ये देखना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव 1 ऐड कर लेंगे और फिर हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। तो अब यहाँ पे अगेन लिख लूँगी 310.9 इज़ इक्वल्स टू, अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे जो वैल्यू आई है जो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 की थी 1.4926, उसमें क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे 1 को, तो आंसर जो आया है वो है 2.4926। अब इसे यहाँ पे लिख लेंगे 2.4926। तो स्टूडेंट्स आपने सीख लिया विदाउट लॉग टेबल हम किस तरीके से लॉग निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे मुझे पता नहीं चला था कि मोबाइल रिकॉर्डिंग पे है या नहीं, फिर वो मैंने बाद में जब चेक किया तो पता चला कि वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। शुक्र है इतना सही सॉल्व किया था। तो चलिए मैं समझा देती हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के इसी तरह ये भी किया है, पहले लॉग जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लॉग 0.003109 है, फिर मैंने क्या किया सेकंड स्टेप में जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में लॉग 31.29 इज़ इक्वल टू 1.4926 दिया है, वो सेकंड लाइन में कॉपी कर लिया जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो नीचे यहाँ पे कॉपी कर दूँगी। तो यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रही हूँ और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हमें डिफरेंस क्या देखना होता है स्टूडेंट, हमें ये देखना होता है कि पॉइंट कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट कहाँ है और नीचे वाले में कहाँ पॉइंट है। यहाँ पे फर्स्ट वाले में
वन के बाद था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ज़ीरो आगे, वन पॉइंट को आगे ले आए और ज़ीरो लगा दिए, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे वन से लेके और आगे ज़ीरो तक आएंगे और देखेंगे कि कितनी दफ़ा पॉइंट जो है मूव हुआ है। जितनी दफ़ा पॉइंट मूव होगा ना, वो वैल्यू लिख लेंगे और पॉइंट किस साइड मूव हुआ है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। लेफ़्ट साइड अगर मूव हुआ होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस। अगर वो राइट साइड मूव किया होगा तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे और फिर वो जो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी किस में, जो ऊपर लॉग में लॉग निकाला है 1.4926 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट किस साइड मूव हुआ है, लेफ़्ट साइड पे। और देखिए ये था पहले किस साइड पे, वन की साइड पे था। मतलब अगर आप देखें और से समझने की कोशिश करें तो ये वन की साइड पे था और ये यहाँ पे वन की साइड पे था। अब ये आगे की साइड पे गया है, ठीक है, यहाँ पे आए तो कितने टाइम्स मूव हुआ, फोर टाइम्स। और किस साइड पे मूव हुआ है, लेफ़्ट साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर टू में था, पॉजिटिव वन था। पॉजिटिव वन क्यों था, क्योंकि वो पॉइंट राइट साइड पे मूव हुआ था। यहाँ पे पॉजिटिव वन क्योंकि ये वन के पास ज़ीरो के पास चला गया था। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर टू है वो ज़ीरो के पास पॉइंट गिवन है, और ऊपर जो क्वेश्चन नंबर थ्री था कहाँ पे था, वन के पास। तो हमें ये देखना होता है कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो पॉइंट कहाँ से कहाँ पे मूव हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री में वन से ये लेफ़्ट साइड पे हुआ है, वन की साइड पे था और आगे की तरफ चला गया है, वन टू थ्री फोर टाइम्स, तो इसलिए लेफ़्ट साइड पे हुआ, तो ये माइनस फोर के साथ साइन आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस फोर को ऐड कर लेंगे 1.4926 में, लॉग 0.003109। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू लिख के माइनस फोर इसके साथ जो है माइनस हो जाएगा, जो हमें ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पे लॉग की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा माइनस फोर। वन पॉइंट फोर नाइन टू सिक्स माइनस फोर। अब मैं इसको कैलकुलेटर में कर लूँगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 1.4926 और उसमें से माइनस कर दूँगी माइनस फोर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, वो है माइनस 2.50794। तो इसको अब यहाँ पे नीचे लिख लेंगे और हमने क्या कर लिया, लॉग फाइंड कर लिया विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। माइनस 2.5074, तो ये आंसर आ गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर में लॉग 3109.0 दिया हुआ है। अब आप क्वेश्चन नंबर फोर को देख लें और क्वेश्चन नंबर थ्री को देख लें। यहाँ पे नाइन के बाद जो है पॉइंट है, और यहाँ पे क्या कहता है इन्होंने, ज़ीरो के बाद, मतलब इन्होंने क्या किया था, आगे की तरफ मूव करवा दिया था पॉइंट को और इसको राइट साइड पे मूव करा दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर क्वेश्चन नंबर थ्री में जो लॉग गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर को उसके नीचे लिखेंगे थर्ड स्टेप में। तो पहले इसको लिख लेती हूँ मैं, ठीक। तो इसको कॉपी कर लिया है। अब जो ये क्वेश्चन नंबर फोर है इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगी, लॉग 3109.0। अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉइंट किस साइड पर। हम डिफरेंस यही देखते हैं कि पॉइंट किस साइड पर है और कितने टाइम्स मूव हुआ है। तो यहाँ पर 31 के वन के बाद पॉइंट था, यहाँ पे क्या हो गया, नाइन के पास जो है मूव हो गया पॉइंट। तो ये क्या हुआ कि ये राइट साइड पे मूव हुआ, और कितने टाइम्स, वन टू, टू टाइम्स ये मूव हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू, मतलब वन के बाद ये नाइन के पास गया है, वन और ये टू, टू टाइम्स मूव हो गया। अब हम यहाँ पे टू लिखेंगे और साइन क्या आएगी, पॉजिटिव, सही, क्योंकि ये राइट साइड पे मूव हुआ है। तो अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लिख लेंगे
3109.0 इज इक्वल्स टू और 1.4926 जो हमें ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू निकाली थी लॉग की वो लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे 2 को। यहाँ पे प्लस 2 है ये लिख लूँगी। अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। लॉग 3109.0 इज इक्वल्स टू, अब जो ये वैल्यू है इनको ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर में। सो जस्ट ये जो वैल्यू होती है सो आपको कैलकुलेटर में पुट करना होता है और फिर इज इक्वल्स टू दबा के आपका आंसर आ जाएगा। और फिर उसके बाद आंसर क्योंकि अपाउंड में आता है तो फिर आप एस डी दबा दें तो उससे क्या होता है आपका पॉइंट में आंसर आ जाता है 3.4926 ये आंसर आया है। सो अब हम इसको जो है वाइट बोर्ड पे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि लॉग हम किस तरह निकालते हैं। हम जस्ट ये देखते हैं कि जो पॉइंट है वो किस साइड मूव हुआ है और कितने टाइम्स मूव हुआ है, बस सिर्फ यही करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी बहुत आसानी से आंसर मालूम हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में जो वैल्यू गिवन है वो है 310.942, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। इसका लॉग निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैल्यू दी हुई है इसको यहाँ पे लिख लेंगे नीचे, ठीक है। तो ये है 310.942 और यहाँ पे है 31.09 इज़ इक्वल्स टू 1.4926, तो इसको यहाँ पे लिख लूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें लॉग दिया है उसकी वैल्यू यहाँ लिखने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम इसको अगेन यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर हमारा जो काम होगा थर्ड वो ये होता है कि हम वैल्यूज़ को देखते हैं और उसमें ये देखते हैं कि पॉइंट किस साइड मूव हुआ है, क्या फ़र्क है। फ़र्क उसमें यही नज़र आता है हमें कि पॉइंट किस साइड मूव हुआ है और कितनी टाइम्स मूव हुआ है। तो यहाँ पे देखे जो 1 के बाद पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 5 में 0 के बाद पॉइंट आ गया। देखिए यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट आ गया तो मतलब ये किस साइड, राइट साइड मूव हुआ है और कितनी टाइम्स मूव हुआ है, 1 टाइम्स। ये 1 टाइम मूव हुआ है 1 के बाद था तो ये अब क्या कर दिया, 0 के बाद चला गया क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे इसको लिख लेंगे 1 और जो 1 होगा वो पॉजिटिव होगा हमारा क्योंकि ये राइट साइड पे मूव हुआ है पॉइंट। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 है उसको अगेन यहाँ लिख लेंगे 310.942 और इज इक्वल्स टू 1.4926 ये लिख लेंगे प्लस 1 की साइन आ जाएगी, ठीक है। जो यहाँ पे था इसको इसमें ऐड कर देंगे जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में जो लॉग की वैल्यू निकाली है। अब हम क्या करेंगे इसको कैलकुलेटर में ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ अगेन कॉपी किया है और इनको ऐड कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ लिख लेंगे और ये हमारे पास लॉग क्वेश्चन नंबर 5 का निकल आया है, ठीक है। सो अब ऐड करेंगे, ये है 1.4926 में प्लस किया 2.4926 आया है आंसर। तो इसको वाइट बोर्ड पर यहाँ पर लिख लेंगे तो जो आंसर है वो है 2.4926, तो ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का लॉग मालूम हो गया विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें लॉग दिया है वो है 310926, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं गिवन है, पॉइंट गिवन नहीं है और ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो 31.09 है और ये उसकी वैल्यू है तो इसमें कोई जो है पॉइंट नहीं है। यहाँ पे पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है पॉइंट नहीं है। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट जहाँ पॉइंट नहीं होता हम क्या करते हैं बिल्कुल वैल्यू के एंड में पॉइंट लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 6 के पास लगा दिया है। तो ये बात आपको याद कर रखनी है कि अगर लॉग में पॉइंट नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, ना बीच में ना आगे, हम बिल्कुल लास्ट में उस वैल्यू के पॉइंट लगा देंगे। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ कॉपी करूँगी जैसे हमने बाकी क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस में कॉपी किया है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को अगेन लिख लूँगी और हम अब दोनों में फ़र्क देखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। इसमें हमें फ़र्क ये देखना होता है कि पॉइंट किस साइड पे गिवन है, मतलब किस साइड मूव हुआ है, फिर उसके बाद कितनी टाइम्स मूव हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 31 के बाद पॉइंट है और क्वेश्चन नंबर 6 में कहाँ पे है, 6 के बाद पॉइंट है, सबसे लास्ट में राइट साइड पे ये मूव हुआ है। और स्टूडेंट आपने एक और बात नोट की होगी कि यहाँ पे 9 तक वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, मतलब लास्ट नंबर 9 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3109 तो सेम है लेकिन एक्स्ट्रा दो नंबर्स गिवन है। तो अगर ये 3-4 नंबर भी गिवन होते ना एक्स्ट्रा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं, हमें जस्ट हमारा जो फोकस होता है वो पॉइंट पे होता है कि पॉइंट पहले कहाँ पे था और जो क्वेश्चन गिवन है वो अब कहाँ पे पॉइंट शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 9 के बाद चला गया, तो अब हम देखते हैं कितनी टाइम्स मूव हुआ, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि ये 6 पे आ गया तो ये 4 टाइम्स मूव हो गया। मैं अगेन बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या था, जो नंबर्स थे 31.09 था और यहाँ पे जो नीचे क्वेश्चन नंबर 6 में है वो है 26, मतलब दो वैल्यूज़ हमें और एक्स्ट्रा दे दिए हैं और 6 के बाद पॉइंट आ गया। यहाँ पे 1 के बाद था और ये क्या हुआ, 9 के बाद चला गया है। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट लगाया 1 के पास और 1 से लेके हमने 6 तक लेके गए और हमने देखा कि ये कितनी टाइम्स मूव है, तो ये 4 टाइम्स मूव है और राइट साइड पर मूव है तो प्लस की साइन आ गई। यहाँ पे भी ये राइट साइड मूव हुआ था लेकिन 1 टाइम मूव हुआ था, ठीक है, पहले ये किस कहाँ पे था, 1 की साइड पे था और ये 1 की साइड से 0 के साइड पे मूव हो गया, 0 के बाद आ गया तो पॉजिटिव 1 आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे और इसके साथ जो है यहाँ पे 1.4926 लिख लेंगे जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है और प्लस 4 की साइन लगा देंगे। अब हम यहाँ पे इसको फिर से लिखेंगे और एंड में हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर देंगे और हमारा जो लॉग है वो 6 क्वेश्चन नंबर 6 का आ जाएगा विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। अच्छा, बगैर कैलकुलेटर के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एंड वाली वैल्यू जो हमारे पास 4 निकली थी उसको हम 1 में प्लस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और बाकी पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ होती है ना वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये आंसर आ गया। मैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपको करके दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्लस 1 का, ये 1 जो है पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है ना उससे ऐड हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो गए और बाकी पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ थी वो एज इट इज़ आ गई। तो इस तरीके से अगर आप बग़ैर कैलकुलेटर के डायरेक्ट अपना जल्दी आंसर निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज की जो ये वीडियो है और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये अच्छे से समझ आ गई होगी आपको और प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। जब अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितने टाइम्स आप प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और उसके अंदर सॉल्यूशन सब समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो के एंड में यही कहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल की हर न्यू वीडियो टाइम पे आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर 9 क्लास के कोई स्टूडेंट जिन्हें आप जानते हैं उनके साथ शेयर करें, वीडियो में एंड में कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके बता दिया करें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दिया करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।